हमारा चाय आ चुका है, इधर हमारे दूसरे होस्ट भी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यह है हमारा, जो मैंने बताया था, मिजोरम बेस्ट टीचर अवार्ड उनको मिला था 2014 को। राइटर भी है, उन्होंने मुझे बुक भी दिया था, दो बुक उन्होंने बनाया। और इधर हमारे मैम खुद से कुकिंग कर लेते हैं यहाँ पे सब कुछ। ओ थैंक यू। आप आए ना, ये दे दे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को मेरा नमस्कार मिजोरम की ओर से, मिजोरम पूरे गोरखाओं की ओर से। आइए, हो सके तो नाश्ता कीजिए हमारे साथ। यस। अभी ऐसा नसीब कहा भिखारी जी के साथ चाय पीने। अरे ये क्या बोल दिया आपने। हेनरी अगेन, चीयर्स सर। चीयर्स सर, एकदम सुबह की चाय। सुबह की चाय, चीयर्स। सुबह की चीयर्स। गुड मॉर्निंग मिजोरम। गुड मॉर्निंग मिजोरम। तपाईँलाई डिस्टर्ब हुन्छ भने यहाँ चुपचाप योगा गर्दै थियो कि बिहान। अच्छा अच्छा। एक घन्टा योगा गर्छु नि त। हजुर। त्यहाँ 40 मिनट अप डाउन हुन्छ मेरो, 20 मिनट जाने, 20 मिनट वाक। हजुर। त्यहाँ नुहाइदिएँ त्यहाँ प्रार्थना। हजुर। अब भोलिसम्म ड्युटी फ्री छ सर। बोल रहे कि आपको डिस्टर्ब हुआ है कि नहीं, कुछ सुबह योगा कर रहे थे यहाँ पे। नो डिस्टर्ब, कैसे डिस्टर्ब हो गया। पान के लिए तो सोचना ही पड़ेगा ना, ये हमारा कर्तव्य है। जी जी। और हमारे बड़े भैया को भी तो दर्शन करा दें। नमस्कार जी सभी को। दर्शन कल से। दर्शन दर्शन बहुत अच्छा हुआ। और उनके बारे में जितना बोलू कम पड़ जाएगा। स्टेट लेवल का उनको अवार्ड। पिछले 2-4 साल पहले मिजोरम में बाहर से बहुत लोगों को मैंने बुलाकर अच्छा कार्यक्रम किया था। जी सर। वो जितने भी आए थे, दिल्ली, मणिपुर, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, काठमांडू, जहां से भी आए थे, सभी लोग आज तक याद करते हैं। जी। क्योंकि सबका गायक सर नहीं किया। हाँ, हाँ, हाँ। सोचने वाला बात है। मेरा दूसरा जो लगेज है मैंने वहां छोड़ के आया। हाँ, हाँ। छोटा बैग लेके आए तो सर ने क्या बोला, आपको ठंडा लगेगा क्या। हाँ। सर ने अपने घर में ले जाके, मैं अच्छा। कल तो सोच रहा हूँ। अच्छा। ये उनका जैकेट है। अरे वाह, ये सर का जैकेट है। सर का जैकेट दिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे और एक यहाँ का ट्रेडिशनल थाईला। अरे ये तो बहुत ही यहाँ के बहुत माना हुआ चीज है। हाँ जी। हाँ। मिजोरम का जो बैग है ट्रेडिशनल, सर ने ये दिया। हाँ। और रात को मिजोरम में खासकर नहीं बनती है। हाँ जी। कल वहाँ घूमने के बाद फिर आया सर का ऊपर वाला रूम, जो सब टॉप फ्लोर में जाके रेस्ट किया। फिर सर ने बोला कि बाहर से कुछ नहीं पहनोगे क्या, माने ठंड होगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड होगा। उन्होंने घर पे लेके नीचे उनका पर्सनल रूम पे जाके एक जैकेट निकल के दी। ये पहनो। ये खूबी सर में, बाकी में नहीं मिलते। जिंदगी में ये चीज कभी नहीं भूलूंगा सर। वैसे तो इतना ठंडा मुझे लगा नहीं, इनर पहनाओ, टी शर्ट पहनाओ, बट फिर भी उन्होंने ऐसा ख्याल किया, सोचा। एक छोटा बेटा ना, अपना बेटा का तरह प्यार दिया। क्या बोलते हैं, अतिथि देवो। इसी तरह से हजुर हजुर साक्षी, ये जादू तो पहले देखिए बानी हो गई। मेरे सिक्किम को यहाँ पढ़ सकते हजुर। सिक्किम के बच्चे लोग यहाँ पढ़ते हैं रिपन में, मेडिकल में। मेडिकल में तो हर साल 20-25 बच्चे टीका लगाने के लिए आते हैं दशहरा में। और दशहरा में अच्छा अच्छा आपके दशहरा में हमारे यहाँ से टीका लगाने के। अब 2012 से, 2012 ये बात तो पक्की है। 9-10 साल तो जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, जो फेस्टिवल होता है दिवाली दशहरा, सर के साथ आके सेलिब्रेट करते हैं, जो उनके बेच के स्टूडेंट थे। हाँ, एक बात तो आपको बताना भूल ही गए मैंने, हमारे दर्शक बिन को ये जानकारी होना चाहिए कि विकास जी वन मैन आर्मी जैसा काम करते हैं। मैंने ये नोट किया है, क्योंकि जैसे मैं गीत लिखता हूँ, गीत भी लिखने के बाद उसको संगीत में ढाला जाता है, गाता कोई और है, लेकिन विकास जी में सब कुछ भरा पड़ा है। ये खुद शूटिंग भी करते हैं, उसको बहुत ही अच्छे एडिटर के रूप में एडिटिंग भी करते हैं, और चारों ओर फैलाकर उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो सचमुच इस जवान के लिए तो दिल से, तहे दिल से हमारा आशीर्वाद है। मकसद में कामयाबी तो मिलनी ही चाहिए। आप सभी भी जहां भी मिलेंगे, विकास जी का जरूर ख्याल करना और इन्हें सहारा देना। मैं तो सचमुच कायल हो गया विकास जी का, इतना टैलेंट भरा है इनमें कि खुद इतने अच्छे एडिटर हैं, मुझे तो विश्वास भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब जाके सभी जानकारी मुझे मिल गई। अगर किस्मत साथ हुआ तो
अगर भगवान ने साथ दिया, किस्मत अगर सही में, अगर किस्मत कनेक्शन सही हुआ तो अगला प्रोजेक्ट जो सर और हमने कागज बात किया कुछ फिल्मों को लेके, सक्सेसफुली अगर वो हो पाया वो भी हम आपको दिखाएंगे। जरूर जरूर करेंगे करेंगे। अब तो ये शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, एक से पहले दो। किंग के साथ चाय पीने का भी भाई एक मजा है, मजा ही कुछ और, मजा ही कुछ और है। देखिए यहाँ किंग लिखा हुआ है, मैं किंग हूँ। और यहाँ हमारे सर ये तो महाकिंग है, मैं राजा, ये महाराजा। बड़े दिलदार व्यक्ति है हमारे पूर्ण सर। नहीं मैं तो भाई लोगों का साथ देता हूँ, बस वही है, यही बड़ी बात है। कभी मेरे पास कोई टैलेंट तो है नहीं जी। कभी आइएगा मिजोरम, आप कभी आइए। गुनू भाई में सभी खूबियां है, लिखने का, गाने का, फिल्म डायरेक्ट करने का, प्रोड्यूस करने का, मिजो में, हिंदी में, नेपाली में, सभी भाषा में वो ज्ञानी है, ज्ञानी महाज्ञानी है वो। और उनको मिजोराम को उन्होंने ही परिचय कराया है बाहर, मिजोराम के बाहर में, दार्जिलिंग, सिक्किम, जहाँ भी है, आसाम में हो या जहीं भी हो, दिल्ली में हो, सब गुनू भाई का वजह से हम लोग को भी जानते हैं। ये मिजोरम का प्यार, यहाँ का आशीर्वाद, मिजोरम छोड़ने का दिल नहीं हो रहा गाइस, बट क्या करो, अगला स्टेप मुझे जाना है, क्योंकि एक्सप्लोरिंग सेवन सिस्टर, पूरा जगह घूमना है मुझे और पूरा जगह को दिखाना है वहाँ का। गाइस ये देखिए, अब मैम अपने एक काम पे गई है, सर खुद खाना निकाल रहे, देखिए। मतलब सर इतना बड़ा आप, मतलब क्या बताओ, घर में काम करने वाला आपने आदमी नहीं देखा सर, ये मजा आता है जी। जो आप मेहमान है जी, नौकरों को के हाथों खिलाने से अच्छा था अपने हाथों से खिलाऊं जी, जी हाँ। ऐसा मौका दोबारा मिल जाएगा या नहीं बोल नहीं सकते ना जी हाँ। ये देखिए खुद से सब कुछ ना, अभी सर अभी निकाल रहे हैं। बीबी ने खाना बना कर रख दिया है जी, अब हम दोनों खुद परोस कर खाएंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, सुबह का खाना, और साथ सब निकल रहे खाना, देखिए मैम ने बना के किया, मैम अपने कुछ काम पे गई है, और देखिए इतना क्या बता, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इतने बड़े सेलिब्रिटी है सर, किसी चीज़ का कमी नहीं है, फिर भी अपना घर का काम खुद करते हैं, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। सर क्या है आज का स्पेशल? अरे कद्दू की सब्जी, अंडा फ्राई। कद्दू गुड फॉर हेल्थ, हार्ट के लिए अच्छा होता है। ये देखिए ये है सब्जी जी, ये बीबी जी ने अंडा बना कर रख दिया है। अमेजिंग अमेजिंग, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे तो अभी भी सपना लग रहा है सर, क्योंकि इसका मजा ही कुछ और जी है। जी हाँ, मेहमान को अपने हाथों खिलाना चाहिए जी सर, मेहमान तो भगवान के बराबर होता है जी सर, तो भगवान को खिलाने के लिए किसी दूसरे के हाथों से क्यों खिलाएं जी, ये तो हम खुद खिलाएंगे जी सर। यहाँ जो चाहिए जी सर, हम अपने हाथों से लेंगे जी सर। लेटेस्ट देखने पे ही कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल। भाभी का हाथों का बना जी, ये तो सचमुच यादगार हो गया। यादगार, भाभी ने खाना बना के गया और भैया निकाल रहे खाना, वाह वाह क्या बात है। ये देखिए यस, अंडा अंडा, अरे वाह। अब इसको भी आप क्या याद रखेंगे जी हाँ, कि जब दोबारा खाना लेना पड़ा जी, तो मैंने अपने हाथों से निकाला जी, ऐसा सोचकर आप हमेशा याद रखेंगे। अब मैंने परोस तो दिया है जी हाँ, अब आप अपने हाथों से निकालकर जी दोबारा जरूरत हुआ जी तो आप लीजिए जी जी, जी ओके सर। ये रहा पानी की बोतल जी, चलिए बैठते हैं। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, और क्या होता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में हम ज्यादा चावल का प्रयोग करते, देखिए नॉर्थ ईस्ट का खाना है चावल, बेस्ट राइस। तो चले गए इस खाना वाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर बात करते हैं, फिर बात करते हैं। तो गाइस खाना वगैरह पूरा, सर ने इतना खाना खिला दिया कि सुबह सुबह पूरा पेट ही टाइट हो गया।
हमारा मिजोरम की स्टाइल है जी। या सुबह भर पेट खाना खा लिया, दो तीन बजे चाय पानी नाश्ता हो गया, चाय पानी हल्का नाश्ता कर लिया और रात को खाना। अरे विकास जी आप भी क्या याद करेंगे यार, ये मिजोरम में उल्टा सिस्टम घर में भी ऐसे होता है ना। ये ठीक है, हमारे लिए अच्छा लगता है। तो अभी निकलने का वक्त हो चुका है गाइस, और यहाँ से अभी जाते हैं दूसरा जगह, और जो जैसा अभी यहाँ पे कुछ आइजोल का नज़ारा मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक टेंपल है हमारा, हिंदू टेंपल सुनने में आया था, तो वहाँ का लोग, वहाँ का नज़ारा और वहाँ का जो पंडित जी से भी मैं आपको मिलाऊंगा। और हमारे सर है, अभी फाइनली अलविदा लेने का टाइम आ चुका है। फिर अगर यहाँ पे समय मिला, किस्मत ने साथ दिया, फिर मिलेंगे सर के साथ। और जाते समय लास्ट दिन में मैं सर से मिल के जाऊंगा। नहीं नहीं, मिल के जाना जरूरी है जी। हाँ हाँ, अभी बाय बाय नहीं करूंगा मैं तो। अभी बाय बाय नहीं है। हाँ, अभी इंटरवल, अभी इंटरवल, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है, अभी बाय बाय नहीं करना है। ओके गाइस।